बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है और यहाँ डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम इसमें नोट करें तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट गिवन है, फिर सेकेंड ब्रैकेट गिवन है, फिर माइनस एंड फिर 42। पर फर्स्ट स्टेप में सपोज कर लेंगे कि लेट m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को रिप्लेस कर देंगे m से, तो क्वेश्चन बन जाएगा m प्लस 3, m प्लस 4 एंड माइनस 42। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट हमने लिखा m, फिर हमने सेकंड ब्रैकेट, फिर हमने लिखा प्लस 3 और फिर सेकंड ब्रैकेट एंड देन माइनस 42। अब m से मल्टीप्लाई हुआ m तो बन गया m स्क्वायर, फिर m से मल्टीप्लाई हुआ 4 तो बन गया 4m प्लस, फिर 3 से m मल्टीप्लाई हुआ 3m, फिर 3 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 12 एंड माइनस 42। नेक्स्ट स्टेप में m स्क्वायर प्लस 4m एंड प्लस 3m प्लस होके बन गया 7m प्लस 12 इज माइनस 42। अब आपने लिखा m स्क्वायर प्लस 7m, अब 42 में से आपने 12 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास रिमेनिंग रह गया माइनस 30। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसको मिडिल टर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है 7m, तो अगर हम यहाँ पर मिडिल टर्म 7m को ब्रेक करें टू पार्ट्स में, फर्स्ट टर्म m स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 30 एज इट इज़। अब आप मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और यहाँ लिखा है 7m। ब्रेक इस तरह करना है कि प्लस करें या माइनस करें तो 7m बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए। तो इसके लिए स्टेप हम करेंगे कि 30 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, फिर 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। अब आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 5। इन्हीं नंबर्स से आपने टू टर्म्स हासिल करनी है जो हमने यहाँ पर लिखनी है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 5 2s are 10 और 10 और 3, 10 में से अगर आप 3 माइनस करें, आप लिखें यहाँ पे 10m - 3m, क्योंकि हमें प्लस का साइन भी चाहिए, तो हम प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करेंगे, रिज़ल्ट आएगा 7m एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो रिज़ल्ट आएगा 30। तो अब नेक्स्ट स्टेप में m कॉमन है इन दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ हम m ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 10। यहाँ पर अगर हम नोट करें तो माइनस का साइन भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 10 माइनस प्लस माइनस। अब आपने लिखा एक ब्रैकेट m प्लस 10 और एक ब्रैकेट m माइनस 3। अब आपने यहाँ पर m प्लस 10 m माइनस 3 आपने फैक्टर्स हासिल कर लिए, रिजल्ट आ गया। लेकिन हम देखें तो m इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x के, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ m। अब हम यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। पहले आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, फिर आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। दिस इज़ योर रिज़ल्ट, ये आंसर है आपका। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में मिडिल टर्म को यहाँ ब्रेक किया और यहाँ हमने स्टार्ट में इसे सपोज किया।
क्वेश्चन को. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.3 का, ये सॉल्व हो गया है.